हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और ये जो वीडियो है, ये एक प्लेलिस्ट की सीरीज है और ये है योर इंजीनियरिंग ब्रांच इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर ये तीनों कवर हो चुके हैं और चौथा इसमें आ रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जैसे कि पता है, इंजीनियरिंग के अंदर कोर ब्रांच की अगर हम बात करें तो देर आर ओनली थ्री कोर ब्रांचेस। कौन ब्रांच? मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल। ठीक है, ये तीनों आपकी कोर ब्रांच है। तो आपको पता ही कि कोर ब्रांच है तो इसका इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा होगा और इसकी डिमांड पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। सबसे पहले हम अगर स्कोप के बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर ब्रांच कहलाती है इंजीनियरिंग में, तो इसका स्कोप अभी भी बहुत ज़्यादा है। अब मैंने यहाँ पर काफ़ी बार सुना है कि अब मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल में कोई स्कोप बचा नहीं है, प्लेसमेंट होता नहीं है, कंपनीज आती नहीं है, बट ये बिल्कुल सही नहीं है। आजकल बहुत इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ट्रेंडिंग में है। अब इसका मैं रीज़न बता दूँ तो देखिए, यहाँ पर मोस्टली ये जो कोर ब्रांच के स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी 4 साल की पढ़ाई के दौरान यहाँ पे गेट एग्जाम की प्रिपेयर करते हैं एंड आफ्टर योर अंडर ग्रेजुएशन वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बड़ी बड़ी IITs, IISc और NIT से पास आउट होकर बहुत अच्छा यहाँ पे पैकेज कमा रहे हैं। ये फैक्ट है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कोर ब्रांचेस में पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो ऑन एन एवरेज लेवल की अगर आप कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे एवरेज तरह का प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा, बट अगर आप Tier 1 एंड Tier 2 कॉलेज की बात करें तो फिर यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्लेसमेंट हर साल होते हैं और होते भी रहेंगे। अगर हम Tier 1 और Tier 2 कॉलेज की बात करें तो इसके अंदर निर्मा यूनिवर्सिटी, LDE, MSU, DDIT, GEC गांधीनगर, GEC मोड़ासा, GEC भुज, फिर BGEC, इसके अलावा गणपत यूनिवर्सिटी, चारों यूनिवर्सिटी, UV पटेल कॉलेज, ये सारी कॉलेज में अच्छी अमाउंट में प्लेसमेंट होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में। अगर Tier 3 लेवल की कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा प्लेसमेंट आपको वीक देखने को मिलेगा। अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको नंबर ऑफ कॉलेजेस बता दिया है, इसके अलावा भी बहुत सारी कॉलेजेस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अवेलेबल है। इसके लिए मैंने आपको जिस तरह से सिखाया, आपको सिंपली CPC के वेबसाइट के ऊपर जाना है और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आप BE BTech सिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे आप अपनी ब्रांच सिलेक्ट कर दीजिए, जैसे कि इस टाइम होगा हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। हियर इज द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया और जस्ट इसको आप सर्च कर दीजिए तो जितने भी नंबर ऑफ कॉलेजेस है वो सब कुछ आ जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा है शोइंग 1 of the 10 of 90 एंट्रीज, यानी कि टोटल 90 कॉलेज है कि जो यहाँ पे आपको एजुकेशन प्रोवाइड करती है फॉर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 50 कर दे तो देखिए यहाँ पे एक ही पेज के अंदर कितनी सारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, बहुत सारी कॉलेज का नाम यहाँ पे लिस्टेड है। तो फिर यहाँ पे कॉलेजेस तो बहुत सारी मात्रा में अवेलेबल है, बहुत सारे स्कोप से कॉलेज में एडमिशन मिलने के। अगर हम इस ब्रांच के कट ऑफ के बारे में बात करें तो कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी ले लीजिए निर्मा, तो उसमें भी 5 से 7 हज़ार के बीच में क्लोज होता है, तो फिर इसमें एडमिशन लेना इतना टफ नहीं है, आपको ईजिली अच्छी कॉलेज में मिल जाएगा। और ट्राई यही करना जो Top 5 कॉलेज कहलाती है, जैसे कि निर्मा, DDU, फिर हो जाएगा अपना MSU, LDE, ये सारी कॉलेज में डेफिनेटली ट्राई करना, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ इतना ऊपर नहीं जाता है हर साल, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम रहते हैं इसमें एडमिशन के लिए। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर भी काफी अच्छा है, जैसे कि रिलायंस पावर ले लीजिए, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी पावर, टोरेंट पावर, ये सारी कंपनीज में काफी अच्छी संख्या में हर साल प्लेसमेंट होते हैं, तो फ्यूचर भी इसका काफी अच्छा है। अगर हम एवरेज पैकेज की बात करें तो Tier 1 में आपको मिल जाता है अराउंड 5 LPA के आसपास और Tier 3 लेवल की बात करें तो यहाँ पे 3.5 से लेके 4 LPA के बीच में एवरेज पैकेज जाता है, तो ये भी अच्छी बात है। एज अ फ्रेशर्स ये सैलरीज भी काफ़ी अच्छी है। देखिए महीने का आप 40-50 thousand आप कमा रहे हो आफ्टर 4 ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, दैट इज़ वेल एंड गुड। देखिए यही एक एवरेज सीन रहता है, मोस्टली स्टूडेंट्स का यही पैकेज रहता है और ये इट्स अ वेल एंड गुड, ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर हम डिफिकल्टी की बात करें तो डिफिकल्टी पर्टिकुलर इसके कोर्स के अंदर तो कहीं मुझे नहीं दिखती है। आपको सब्जेक्ट्स के नाम जानने हैं तो आप यहाँ पे GTU की वेबसाइट पे जाके हर एक सेमेस्टर के सब्जेक्ट सर्च कर पाओगे तो इसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि कौन सी सब्जेक्ट्स कौन से सेमेस्टर में पढ़ने में आ रही है। अगर हम पूरा का पूरा ओवरव्यू की बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में तो आप जा सकते हो, बट एट दी एंड इट डिपेंड कि आपका इसमें इंटरेस्ट है कि नहीं। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट्स देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।